Now, chapter number 24, reading with understanding. 24.1, section 1. On this International Day against drug abuse and illicit trafficking, we celebrate the choice that millions of people around the world have made to live healthy, and we applaud the courage shown by those who have stopped using drugs. In doing so, we send a positive message to all people who use or might be tempted to use drugs. Value yourself, make healthy choice. ये क्या है, इनका स्लोगन है. चलिए, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स अब्यूज, जो लोग ड्रग्स की लत में लग जाते हैं ना, ये उन लोगों के लिए एक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है. सेलिब्रेट क्या है, इन शॉर्ट कि एक दिन ऐसा है कि जब कोई भी गलत ड्रग्स के चक्कर में ना हो, है ना. ये हर एक का क्या है, ओपिनियन है. जैसे बहुत से आजकल टीनेजर्स भी सिगरेट एंड टोबैको खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे, ये सारी चीज कर रहे हैं, ठीक है, जो उनके लिए सही नहीं है, है ना. तो ये वही बता रहे हैं. साथ ही साथ इस दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है, उन लोग अकॉर्ड मींस सेलिब्रेट करना. किस तरह का सेलिब्रेट, जिन्होंने ये ड्रग्स की जो लत होती है इसे छोड़ दिया है, है ना. बोलते ना पुरस्कार दिया जाता है या स्टैंडिंग ओवेशन है इनके लिए, तो हैट्स ऑफ यार कि आपने इतनी बड़ी चीज छोड़ दी. दैट ड्रग्स बहुत वर्ड बहुत छोटा सा है, लेकिन मे भी आपको उसकी लत बहुत जल्दी लग सकती है, लेकिन छूटने में उतना ही टाइम लगेगा. बराबर, बहुत टाइम लगता है. और ये दिन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, ये किन लोगों के लिए साथ मनाया जाता है कि जिन लोगों ने, जो लोग पहले ड्रग्स की लत में थे, आज उन्होंने वो ड्रग्स को छोड़ दिया है हमेशा के लिए, उनके लिए दिन मनाया जाता है. बराबर, इस डे को मनाने से क्या है, मेन पर्पस क्या है, कि पॉजिटिव मैसेज जाए लोगों में, है ना. मेन का पर्पस क्या है कि लोगों में क्या जाए, उनका पॉजिटिव मैसेज जाए क्या, कि आपको ड्रग्स के रिगार्डिंग आपको कोई बेनिफिट नहीं है, आप जो भी ड्रग्स ले रहे हो, है ना, इससे नुकसान ही है. और एक दिन ऐसा है कि वो लोग भी सभी ड्रग्स छोड़ दे. वैल्यू योर सेल्फ, खुद की अहमियत जानो, तभी अपनी सेहत का ध्यान रख पाओगे. या तो दो चीज चुनो, या तो अपनी सेहत खराब करो या तो सेहत बनो, वही चीज उनका स्लोगन है. दिस डे इज ऑल्सो एन ओकेशन ऑफ हाईलाइटिंग द फैक्ट दैट नियरली 200 मिलियन पीपल आर स्टिल कंज्यूमिंग इनलीगल ड्रग्स. है ना, कितने लोग, 200 मिलियन पीपल स्टिल कंज्यूमिंग इनलीगल ड्रग्स. दीज ड्रग्स माइट हैव नेम्ड इट साउंड कलरफुल, सबके नाम बहुत अलग अलग होते हैं, साउंड कलरफुल और एंटिक, सच एज क्रैक पॉट, जंक क्रिस्टल मेटल एंड डिस्को बिस्किट्स. ये सारे उन ड्रग्स के नाम है जिस तरीके से मार्केट में मिलते हैं. बट दीज आर लिटल मोर देन टिकट्स टू अ डेड एंड. सीधी सी बात है ना, हमको कोई जगह सफर करना होता है उसका हम क्या लेते हैं, टिकट लेते हैं. बराबर, टिकट नहीं लिया तो अरे बीच रस्ते में उतार देगा, या शायद हमको वहां तक कोई जाने तक भी नहीं देगा. सेम ये लोग जो भी ये सारे ड्रग्स के ले रहे, जो भी सिगरेट दारू हद बिना कर लिए जा रहे, ये इन शॉर्ट उनका टिकट है कहाँ का, डेड का. जल्दी मरना है ना, इसलिए वो ये सब चीजें गेट कर रहे कि जल्द से जल्द हो जाए, यही रीजन होगा, तभी तो कर रहे. क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान ये चीज कभी नहीं करेगा, अदरवाइज क्योंकि उसके बैक के पीछे ही आपको उसके कॉजेस दिखा दिए जाते हैं कि इफ अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो आपकी बॉडी पे इसका क्या अफेक्ट होगा, वो भी वो आप बता रहे. स्टिल अगर आप ले रहे हो, दैट मींस आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं. लव फॉर दो ट्रैप बाय एडिक्शंस, ट्रीटमेंट इज अ वे आउट एंड द चॉइस टू सीक ट्रीटमेंट इज नॉट ओनली करेजियस बट ऑफन लाइफ सेविंग. इसके अंदर क्या बताया जा रहा है कि आपको इस ट्रीटमेंट, यहां पर इनकी तरफ से ट्रीटमेंट दिया जाता है. वो ट्रीटमेंट में क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि आपको बहुत से इंजेक्शन लगा जा रहे हैं, दवाई गोली चल रही, नहीं सॉरी, ट्रीटमेंट यहां पर क्या है आपका इस सब चीज में, कि आपको उस चीज के प्रति दूर किया जाता है कि नहीं आप विदाउट ड्रग्स भी जी सकते हो, है ना. इनका एक हेल्थ केयर भी होता है जहां पर ऐसे ही लोगों को रखा जाता है जो बहुत ड्रग्स की लत में रहते हैं,
और धीरे धीरे करके उनसे ये सारी चीजें छुड़ा दी जाती है। बराबर, क्यों कराया जाता है? ताकि उनकी जिंदगी बच सके। Those who have not ventured down the path of drugs abuse should learn the lesson from those who have and firmly choose not to. बराबर, देखो ये मतलब सीखने की बात है। आप किन से सीख सकते हो कि जिन्होंने ये ड्रग्स की लत को छोड़ के अब आगे बढ़ चुके, अब आप उनको देख के सीख सकते हो कि अगर ये कर सकता है, अगर ये इंसान छोड़ के आगे बढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं। बराबर, सब जगह यही होता है। Making healthy choice also means choosing a lifestyle that has positive effect on the body and mind, including, for example, participation in sports to improve healthy and well-being, teach the value of teamwork and discipline, or build self-confidence. In short, यहाँ पर आपको क्या बता दिया गया है? Making healthy choice depends करेगा उसके ऊपर जो ये सारी चीज ले रहा है। Means choosing a lifestyle, आप अपनी कैसी lifestyle बना रहे हो इस पे होगा। Sentence क्या बोलना चाह रहा है? देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक तो normal जो अपनी normal जिंदगी जी रहे हैं, शायद आप और हम जैसे, और कुछ एक अलग होंगे जो ये सारे drugs के addict हैं, जिनको हर कुछ time में smoke तो चाहिए, then drinking and all, वो सारी ऐसी चीजें उनको चाहिए ही। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, आप जैसी चीजें लोगे ना, एडिक्ट करोगे, वैसे ही थॉट आते हैं। बराबर, सीरियस बात, जैसे कि एग्जांपल दिया है, ये सारी चीजें आपको इफेक्ट क्या करेगी आपके बॉडी पे और आपके माइंड पे, है ना, क्योंकि माइंड डिस्टर्ब रहता है। अरे नहीं यार, ये अगर मैंने स्मोक नहीं किया तो मेरा और दिमाग खराब होगा, आपको कुछ सोचता नहीं है। इस तरह के बहुत से लोग देखे भी है जो ऐसे ही है, मेंटली टॉर्चर होते हैं अंदर ही अंदर, अगर उनको ड्रग्स सही टाइम पे ना मिले तो। बराबर, सेम उसको एक किसी स्पोर्ट्स से कंपेयर करके रखा हुआ है कि आपको एक स्पोर्ट्स अगर आपको खेलना हो तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले अपना अपनी हेल्थ सुधारनी पड़े, है ना, अच्छी हेल्थ चाहिए, वेलबींग, टीच द वैल्यू ऑफ टीम वर्क, ये भी होना चाहिए, आप में खुद में भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। यही सारी चीज जो एक स्पोर्ट्स में चाहिए होती है, वही सारी चीज एक उस पर्सन के अंदर होनी चाहिए जिसे ड्रग्स छोड़ने हैं, तभी वो एट द एंड ये कर पाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाँ मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ ये चीज, क्यों नहीं होगा। आप अपने माइंड को यही ऑर्डर दीजिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ, दैट्स इट, बात खत्म हो गई, मैं ये कर सकता हूँ और करके रहूंगा एनी हाउ। यही चीज अगर आप लोग भी बोलो कि मैं अपनी एग्जाम एनी हाउ क्लियर करूंगा ही, बोलने से कुछ नहीं, फिर मेहनत भी वैसे ही करनी है ना। Now, message by the Secretary General, UN, United Nations, on the occasion of the International Day Against Drug Abuse and Illicit Traffic, 26 June 2005. ये डे कौन से दिन सेलिब्रेट भी किया जाता है वो भी बता दिया गया है, 26 जून। ये बिल कब पास हुआ था? 2005 में 26 जून को, कहां पर? सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन में ये पास हुआ। क्लियर, चलिए आ जाते हैं अभी इनकी एक्सरसाइज पे। 24.1, नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज गिवन अबाउ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द ओकेशन फॉर दिस मैसेज। आपने जो पैसेज पढ़ा उसके रिगार्डिंग कौन सा ओकेशन का मैसेज पता चल रहा है? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिट ट्रैफिकिंग। बराबर, अब पूरा इस तरह से लिखेंगे। नाउ व्हाट मैसेज हैज बीन कन्वेड थ्रू दिस पैसेज, टू हूम इज द मैसेज एड्रेस्ड। एड्रेस यहां पे क्या बोल रहा है कि वो किन लोगों को दर्शाया जा रहा है, है ना। चलिए, मैसेज, वैल्यू योरसेल्फ, मेक हेल्दी चॉइस टू पीपल हु आर नॉट येट ड्रग्स एडिक्ट but might be tempted. Barabar? Then, why does the writer say that those who are not drug addict should firmly choose not to fall victim to drug addiction? क्या बोल राइटर? कि जो लोग इस ड्रग के एडिक्ट नहीं है उन्हें इस चीज में होना भी नहीं चाहिए। आगे, why? ऐसा क्यों बोल रहे हैं?
कि जो लोग अभी ड्रग्स के एडिक्ट नहीं हुए उन लोगों को आगे भी नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? चलिए, ड्रग्स एडिक्शन लीड्स टू अ डेड एंड, इसीलिए ना बोल रहे, क्योंकि क्यों मतलब ही नहीं है। एट द एंड आप जो भी सब चीज का सेवन कर रहा है, सपोज एक एज है उसकी 60 साल की जीने की है, लेकिन अगर ये सारी डेंजरस चीजें अगर वो ले रहा है तो मे बी जब वो 60 साल का जीने की उसकी कैपेसिटी थी वो और कम होके मे बी वो 50 या 40 तक की एज आ जाएगी उसकी, वहां तक की उसकी डेड एंड हो जाएगी। चलिए, ये इंसान खुद की तकलीफ तो बिगाड़ ही रहा है, खुद की एज हटा ही रहा है, साथ ही साथ वो जो स्मोक बाहर जा रहा है वो कहीं ना कहीं आसपास के कुछ जो लोग हैं या छोटे बच्चे हैं ऑक्सीजन के थ्रू वो भी उनके शरीर में जा रहा है, कहीं ना कहीं वो खुद के चक्कर में दूसरों का भी उतना ही नुकसान करते ही जा रहा है ना। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें अपने शौक के लिए कर रहा हूं, साथ में जितने लोग हैं उन सभी को वो तकलीफ हो रही है, बराबर। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है ना, बोलते हैं ना, तो वही है किसी के साथ में। सपोज अगर कोई आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि जहां पर आप लोग नहीं कुछ नहीं कर रहे लेकिन वो सारे है, उनके बीच में अगर आप हो तो आप भी तो ऑक्सीजन ले रहे हो, तो उसके साथ वही चीज डेंजरस चीज आपके अंदर भी धीरे 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 करके एक जगह ले रही है। आपको उस चीज की लत नहीं होगी लेकिन वो चीज आपके अंदर ही जा रही है, वो कहीं ना कहीं आपके शरीर को कुछ परसेंट तकलीफ देना स्टार्ट जरूर करेगी, बराबर। अगीफ अगर ऐसे भी है तो उनसे दूर रहे, क्लियर, आप ही की सेफ्टी के लिए है। चलिए, देन टू व्हाट हेल्थी चॉइस डज द ऑथर रेफर, क्या रेफर कर रहे ऑथर? दैट चूजिंग लाइफस्टाइल लीडिंग टू ऑपोजिट सॉरी इट्स अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द माइंड एंड बॉडी और दे मे पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स लर्न वैल्यू ऑफ टीम वर्क एंड द डिसिप्लिन। अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए किसी भी अपनी हॉबी में चले जाओ, कि जिस टाइम पे सपोज अगर कोई ऐसा व्यक्ति है आपके भी आसपास में, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस ड्रग्स के लत में है, उसे अगर छुड़ाना हो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ऐसा काम कर दे तो उसे मोटिवेट करो कि यार तू कर सकता है, यू कैन डू इट, आई नो यू कैन डू इट। जिस टाइम पे उसे एकदम डिप्रेस रहने मुझे चाहिए, उस टाइम पे उसे कोई अदर एक्टिविटी कराओ जो उसे पसंद हो, बराबर, ड्रग्स को छोड़ के कुछ और, तो वो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चीज छूटती जाएगी। क्लियर ना? व्हाट डज पीपल रिजॉल्व ऑन द ओकेशन, क्या रिजॉल्व लेते हैं? दैट दे वुड क्रिएट एंड लाइव इन अ ड्रग फ्री सोसाइटी एंड दैट पीपल शुड लीड हेल्दी लाइफ। ओकेशन दैट मींस 26 जून को जब इंटरनेशनल डे होता है तो उस दिन लोग क्या रिवॉल्यूशन लेते हैं, बोलते हैं ना हमने रिवेंज लिया कि हम ये चीज करके रहेंगे, वही है कि मैं खुद भी ये चीज नहीं लूंगा और साथ ही साथ दूसरों को भी इस चीज के बारे में जागरूक करूंगा कि ये चीजें ना ले, है ना। चलिए, देन व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही से लेट अस एनकरेज ऑल आवर फेलो ह्यूमन बीइंग्स टू मेक पर्सनल चॉइस to lead healthy life, that people should create environment that would encourage people to lead healthy life and adopt positive outlook, brother. Now next, which of the words in the passage means similar to the following words? चलिए, यहाँ पे आपको अलग से option दिए नहीं है, still If exam में हो सकता है कि आपको अलग से ऑप्शन भी दिए जाए या ना भी दिए जाए, है ना, कंफर्म नहीं होगा उसके लिए, डिपेंड्स। अब इतने हैं, मेनली चार आपके पैरा में से ही है। नाउ, नॉट अलाउड बाय लॉ, ऐसी कौन सी चीज़ जो नॉट अलाउड बाय लॉ है, तो इसको वन वर्ड में हम क्या लिख सकते हैं, वन वर्ड में क्या सकता है, लिक्ट, क्या सकता है, लिक्ट, लिक्ट की जगह आप लिख सकते हो अनलॉफुल, है ना, अनलॉफुल, जैसे लॉ का मतलब आप पालन नहीं कर रहे हो, लिख लिख सकते हो, अदरवाइज अनलॉफुल भी लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए, टू एक्सप्रेस फ्रेज और वी कैन से एप्रिसिएशन, क्या जाएगा इसके यहाँ पे, बी अपॉल, दैट मींस किसी को एप्रिशिएट करने का मतलब मैंने बताया ना, पॉल, कि उसकी तारीफ करना रहे, बहुत बढ़िया काम किया, कोई अच्छा काम करता है क्या करते हैं, उसके लिए तालियां बजाते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, हैट्स ऑफ,
कि आपने बहुत ही बढ़िया काम किया, इट्स एन अवार्ड, किसी को अप्रिशिएट करना, दैट मींस वही हुआ, बहुत अच्छा काम किया होगा, है ना। देन फॉलिंग विक्टिम टू एन इविल डिजायर, क्या आता है, ट्रैप्ड, दैट मींस ऐसे लोग उस संगत में बहुत इजीली चले गए, दे आर ट्रैप्ड, फंस गए ना उसके अंदर, एक बार का लत लग गई उसके बाद, ओ गॉड, बहुत मुश्किल है उसमें से निकलना, ये पक्का है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब देखना कहीं पर आपको ऑनलाइन तक मिल जाएगा, या अगर किसी ने छोड़ा हो, बहुत अच्छी बात है, ऐसा कोई आपको मिले जिसने छोड़ा हो, देखना बहुत तकलीफ जाती है छोड़ने में भी, लेकिन ये कि जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। नाउ टेकिंग स्टेप्स इनटू डेंजर नोइंग डैश, मतलब आप खतरे पता है कि आगे बहुत तकलीफ होगी, बहुत खतरनाक सिचुएशन आ जाएगी, स्टिल यू आर मूविंग, कि नहीं मुझे जाना उसी रास्ते पे, कम ऑन, इट्स एन वेंचर, क्लियर, इट्स एन वेंचर। नाउ 24.2 सेक्शन सेकंड, ड्रग एडिक्शन इज अ ट्रीटेबल डिसऑर्डर थ्रू ट्रीटमेंट दैट इज टेलर्ड to individual needs, but patients can leave their condition on live normal productive lives like people with diabetes or heart disease, people in treatment of addiction learn behavioral changes and often take medications as a part of and their treatment regime. यहाँ पर देखिए क्या चीज बताई जा रही है कि जिन जिन लोगों को ड्रग्स की एडिक्ट हो जाती है ना, ऐसा नहीं है कि वो कभी छूट नहीं सकती, छूट जरूर सकती है, लेकिन मेन कैसा है यहाँ पे, जैसे पेशेंट के थ्रू ही ट्रीट किया जाता है, क्यों किया जा रहा है, ताकि आपकी जो लाइफ है, जो आपका लाइफस्टाइल है वो नॉर्मली पूरी हो सके, साथ ही साथ प्रोडक्टिव लाइफ चाहिए, लाइक पीपल जिन जिनको डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज है, बराबर, जिनकी एक बार किसी को डायबिटीज हो गई वो लॉन्ग टर्म डायबिटीज चलती रहेगी, इसका कोई एंड नहीं है, हार्ट डिजीज है सेम वो भी चलती रहेगी, कुछ कुछ बीमारियां ऐसी है जो लंबे टाइम तक चलती ही रहती, जिसका कोई आप इलाज नहीं कर सकते, बस ये है कि आप उसे स्टेबल रख सकते हो, कम ज्यादा ही होता रहता है, लेकिन वो एक बार अगर बिगड़ चुकी है तो वो कंटिन्यू चलती ही रहेगी, है ना। माइंड डाइवर्ट किया जाता है, उनका भी अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि जिनको डायबिटीज होगी देखना उन्हें मीठा खाने का बहुत होगा, तो उनको उसी चीज से रोका जाता है कि नहीं भाई ये तू मत खा, अदरवाइज ज्यादा खाएगा शुगर लेवल बढ़ जाएगा एंड एक डेंजरस सिचुएशन आपको दिखने मिल जाएगी। सेम यही चीज ड्रग्स के टाइम पे भी होता है कि उसे वो बहुत वो चीज और अच्छी लगने लगती है, उसी के लिए उसे रोका जाता है, क्योंकि ज्यादा अच्छी लगेगी तो जल्दी चला जाएगा, है ना, इसलिए चलो। सेकंड वन, बिहेवियरल थेरेपीज कैन इंक्लूड काउंसलिंग एंड चेयर थेरेपी, सपोर्ट्स ग्रुप्स और अ फैमिली थेरेपी। ये क्या है, सबसे बढ़िया थेरेपी इज अ वन काइंड ऑफ ऐसी चीज है जो आपका माइंड डाइवर्ट कर देती है, है ना, नंबर ऑफ थेरेपी होती है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज काउंसलिंग। काउंसलिंग में ये है कि आपका माइंड डाइवर्ट कर दिया जाता है उसके अंदर, कि आपको उस चीज के प्रति वो इंटरेस्ट भी दिखा सकता है, ये डिपेंड करेगा जो काउंसलर है जो बोल रहा है उस पर डिपेंड करता है कि उनकी वे ऑफ स्पीच कैसी है, वो किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, बराबर। सपोज इफ अगर आप में से भी किसी को या कोई भी अगर माइंड बहुत डिस्टर्ब है, बहुत कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है क्या करो, एक काम करेगा काउंसलर के पास जाइएगा, दे विल गाइड यू व्हाट शुड यू हैव टू डू एंड ऑल, दे विल गाइड यू, आपका इतने पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड में क्रिएट किए जाएंगे उनकी तरफ से कि आपको नेगेटिव शायद ध्यान भी ना हो। बहुत से टाइम यही चीज लोग गलती कर जाते हैं कि माइंड डिस्टर्ब होता है और एक गलत स्टेप ले लेते हैं जो नहीं लेना चाहिए। बेस्ट काउंसलर तो मैं अगर कहूँ मेरे हिसाब से तो आपके पेरेंट्स, क्योंकि एक पेरेंट्स ही दुनिया में ऐसे हैं जो हमेशा आपका भला चाहेंगे, इनके अलावा कोई भी नहीं, मैं तो कोई फ्रेंड्स नहीं बोलूँ ना ब्रदर सिस्टर एंड ऑल, कोई नहीं, एक टाइम पे हर कोई पलट जाएगा, लेकिन आपके जो पेरेंट्स होंगे वो हमेशा आपकी अच्छे के लिए ही बोलेंगे, बराबर। तो बेस्ट काउंसलर तो आपके वही है, अपनी सारी चीज डिस्कस करो उनसे, बात हो आपको उस तकलीफ से बाहर निकालने का जरूर बताएंगे तरीका, बराबर। चलिए नाउ ट्रीटमेंट ऑफर्स हेल्प इन सफरिंग द विथड्रॉल
सिंड्रोम एंड ड्रग्स कार्रवाई एंड इन ब्लॉक ब्लॉकिंग द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स स्टडीज शोज दैट ट्रीटमेंट और हीरोइन हीरोइन इज अ ड्रग्स है ना बोलते ना चरस गांजा लाइक वैसा हीरोइन एडिक्शन यूजिंग मेथाडोन एट एन एडिक्वेट डोसेज लेवल मींस हाई लेवल बहुत ज्यादा पैमाने पे वो लेते हैं लार्ज क्वांटिटी पे कंबाइंड विद द थेरेपी रिड्यूस हेल्थ रेट डेथ रेट एंड मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स एसोसिएट विद हीरोइन अब्यूज लत लग जाती है बहुत से लोगों को एक बार आपने पिक्चर में भी देखा होगा बराबर पिक्चर में देखा होगा किस तरीके से वो ड्रग्स लेते हैं बराबर बेसिकली बोला जाए तो ड्रग्स एक ऐसी चीज है जिससे आपको नशा चढ़ जाए है ना कि आप उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते मतलब ऐसा हो गया ठीक है बहुत से जरूरी है कि सिगरेट दारू और ये सब भी चीज ड्रग्स है बहुत से लोगों को ऐसी भी आदतें हैं जो उनकी आदत बन जाती है कि नहीं इसके बिना मैं सर्वाइव नहीं कर सकता इफ अगर आपको ऐसा है दैट मींस आप ड्रग्स ले रहे हैं उसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते किसी भी चीज की जो अति होती है ना एक ज्यादा लेवल वो अच्छा नहीं होता बहुत से लोग मतलब नंबर ऑफ केसेस अगर आप देखो तो यकीन नहीं करोगे कि बहुत लोग कैसे कैसे ड्रग्स नशे करते हैं ड्रग्स इज वन काइंड ऑफ नशा बहुत से लोग पेट्रोल की स्मेल लेते रहते हैं विक्स की स्मेल कंटिन्यूसली मतलब लव देखना सपोज किसी को सर्दी हुई होगी ना वो इनहेलर का डॉक्टर भी ना बोलते हैं लेकिन स्टिल लोग आजकल स्टाइल के लिए मतलब इनहेलर ले लेते हैं देखना एक बार अगर इनहेलर लिया ना वो कंटिन्यू स्मेल लेते ही जाते हैं उनका हर थोड़ी देर में वो हाथ जाता रहता है वो थोड़ी सी देर के लिए नशा जैसा हो जाता है कितने लोग ऐसे भी देखे मैंने कि जो कितने ही टाइम से वो इनहेलर की स्मेल लेते ही जा रहे हैं रीजन वो ड्रग्स नशा हो गया उनको अगर वो चीज नहीं लेंगे ना तो उन्हें सर दुखेगा अब ऐसा हो गया डिपेंड्स कि आप किस तरीके से उस चीज को एडिक्ट कर लेते हो जो चीज नहीं करना चाहिए और ठीक है उसे एक सॉल्यूशन के थ्रू या ऐसा मान लेकिन उस चीज के एडिक्ट मत हो पूरा डिपेंड नहीं होना उसके ऊपर बराबर चलिए इन जनरली द मोर ट्रीटमेंट गिवन द बेटर रिजल्ट करेक्ट ये तो हर चीज में सही है देन मेनी पेशेंट्स रिक्वायर्स अदर सर्विसेज एज वेल सच अ मेडिकल एंड मेंटल हेल्थ सर्विस एंड HIV prevention services patients who stay in treatment longer have better outcome than those who stay less time yahan par inka bolne ka matlab kya hai ki jo patient dekhiye yahan par kaisa ek boarding school hoti hai na waisa hi inka bhi hota hai aap bol sakte hain jail type bol sakte hain type mein kya hota hai ki sirf wahi log hai baki unke ghar parivar wala koi bhi nahi jo addict person hai wahi wahan par rakha jayega उसे इस चीज के बारे में बताया जाता है कि ये चीज नहीं की जाए उन लोग का तरीका अलग है मे बी हमें तो नहीं पता होगा कि किस तरीके से उन लोगों का माइंड डाइवर्ट करता है तब जाके तो वे सब चीज छोड़ देते हैं ना है ना तो किस तरीके से डाइवर्ट किया जाता है वो भी है सीधी सी बात है कि जो जितना लंबा टाइम उनके पास रहेगा उसका माइंड उतना ही उस चीज के प्रति पॉजिटिव एनर्जी आती जाएगी बहुत से लोग होते कि नहीं मुझे नहीं रहना निकल जाना है देन क्या करेंगे जो कम टाइम में रहा मे भी शायद कुछ टाइम के बाद वापस से उस चीज की लत में लग जाएगा है ना वेस्ट ऑफ टाइम ऐसा होगा पेशेंट्स हु गो थ्रू मेडिकली असिस्टेड इंटरवेंशंस विद मिनिमाइजिंग डिस्कम्फर्ट बट डू नॉट रिसीव एनी फर्दर ट्रीटमेंट परफॉर्म अबाउट द सेम इन टर्म्स ऑफ दोज हु वर नेवर ट्रीटेड ओवर द लास्ट 25 इयर्स स्टडीज हैव बीन शोन दैट Treatment works to reduce drugs and crimes committed by drug-dependent people. बराबर? बिल्कुल सही बात है ये. Researchers also have found that drugs abusers who have treatment are more likely to have a job. है ना? कितना difficult है उनके लिए एक job जैसे हो जाता है कि नहीं ये तो चाहिए, ये चाहिए. जैसे आज के नए basic necessity लोगों की क्या हो गई है? यार अगर जॉब नहीं होगी तो पैसे कैसे आएंगे पैसे नहीं होंगे तो जो मेरे को एक्सपेंसेस है जो खर्चे है वो कैसे कर पाऊंगा अब जो ड्रग्स वाले जो है ना ये जिनको ड्रग्स लेने की आदत हो गई है इनके लिए भी एक नौकरी जैसा ही अरे यार अगर आज ड्रग्स नहीं लिया तो शायद मेरा दिन नहीं चलेगा या ये नहीं कर पाऊंगा आज अगर शाम को भी ये ले लिया कुछ इस तरह के बराबर बहुत अलग अलग तरह के जो चीज नहीं होनी चाहिए
मैं तो आपको सभी को एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपके आसपास में अगर कोई भी हो, पहले तो आप उसे समझाइए, अगर वो नहीं समझ रहा है सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, बराबर। दूसरों का नहीं लेकिन अपना तो भला करो। नाउ द फोर्थ वन, द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल ड्रग अब्यूज ट्रीटमेंट इज टू अनेबल द पेशेंट टू अचीव लास्टिंग, बट द इमीडिएट गोल्स आर टू रिड्यूस ड्रग यूज, इंप्रूव द पेशेंट एबिलिटी टू फंक्शन एंड मिनिमाइजिंग द मेडिकल एंड सोशल क्रूज ऑफ ड्रग अब्यूज, क्लियर। देन फिफ्थ वन, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ड्रग्स अब्यूज ट्रीटमेंट प्रोग्राम, बराबर। क्यों सेवरल टाइप बोले, क्योंकि डिपेंड करता है ना कौन किस तरीके का नशा ले रहा है या किस लेवल तक का चला गया है, बराबर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि दिन भर बस उसी चीज में डूबे रहते हैं, बराबर, ऐसे भी होते हैं। शॉर्ट टर्म मेथड लास्ट लेस देन 6 मंथ एंड रेसिडेंशियल थेरेपी, मेडिकेशन थेरेपी एंड ड्रग फ्री आउटपेशेंट थेरेपी, ये सारी उनके पास थेरेपी है। शॉर्ट टर्म मेथड लास्ट, सबसे शॉर्ट टर्म जो की मेथड भी होती है वो भी कितने टाइम पीरियड की होती है, 6 मंथ एटलीस्ट। मैं यहां पर एक वर्ड यूज कर सकता हूं कि एटलीस्ट उसे 6 मंथ तक तो रहना होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेथड है। फिर डिपेंड करेगा कि हाँ अगर इसको थोड़ा कम ड्रग्स का ठीक है तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा कि हाँ अब ये चीज नहीं करूंगा, ज्यादा हुआ तो और लंबा टाइम लगेगा, डिपेंड करेगा। ये सारी थेरेपियां दी हुई है कि कौन सी थेरेपी के थ्रू वो इनके माइंड से ये सारी चीजें निकाल देते हैं। लॉन्गर टर्म थेरेपी मे इंक्लूड फॉर एग्जाम्पल, अब लॉन्गर टर्म थेरेपी है ट्रीटमेंट, उसका एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, मेथाडोन मेंटेनेंस आउटपेशेंट ट्रीटमेंट ओपिएट एडिक्ट एंड रेसिडेंशियल पैराथेमिक कम्युनिकेशन ट्रीटमेंट। ये वाली जो थेरेपी है इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया था ऊपर काउंसलर है ना, वन काइंड ऑफ काउंसलर की तरह ये थेरेपी चलती है, जिसके अंदर आपको वन पर्सन इस सारी चीजों के बारे में आपको बताता जाएगा, बोलता जाएगा, अपनी पूरी बात आपसे शेयर करेगा, हर एक चीज बोलता जाएगा। किसी से कभी आपको प्रैक्टिकल कोई चीज दिखाऊं ना, यहां पर मैं कोई चीज प्रैक्टिकली बता रहा हूं वो आपको जल्दी समझ में आएगी, और मैं आपसे सिर्फ कम्युनिकेट कर रहा हूं, लाइक कोई मैक्स का डायग्राम है मैं आपको सिर्फ बोलता जा रहा हूं, टाइम लगेगा समझने में। अगर वो चीज प्रैक्टिकल दिखाता जल्दी हो जाता, क्योंकि यहां पे कैसा है कम्युनिकेशन के थ्रू से समझाया जा रहा है, इसीलिए ये प्रोसेस कैसा है थोड़ा लॉन्ग टर्म में जाता है ना। और ये किन लोगों के लिए, जो थोड़ा हाई लेवल पे एडिक्ट हो चुके हैं उनके लिए थोड़ा ज्यादा जाता है। चलिए ये तो पैसेज है हमारा, सिर्फ पैसेज के थ्रू पढ़िए ना, एक्सेस 24.2 कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज विद द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द पैसेज। पैसेज के अंदर से ही मतलब वापिस से ये चीज बनी है, आपको उसके रिलेवेंट वर्ड्स लिखने होंगे। चलिए, ड्रग्स एडिक्शन इज डैश कैन बी ट्रीटेड, डिसऑर्डर, क्लियर। देन द ट्रीटमेंट गिवन टू द एडिक्ट इज अकॉर्डिंग टू डैश नीड, अकॉर्डिंग टू द डैश नीड इट्स एन इंडिविजुअल। देन आफ्टर ट्रीटमेंट द पेशेंट कैन डैश लाइफ, डैश इज लाइफ, लीड्स अ नॉर्मल, बराबर, लीड्स अ नॉर्मल लाइफ स्टाइल हो जाएगी। देन द ट्रीटमेंट मेक्स सर्टेन बिहेवियरल चेंजेस, दिस थेरेपी इंक्लूड्स डैश एंड डैश, क्या आएगी, काउंसलिंग एंड देन साइकोथेरेपी, बराबर, काउंसलिंग एंड चोथेरेपी, बराबर। देन ओके एंड क्लियर, फर्स्ट एंड सेकेंड, द ट्रीटमेंट अप्रेजेस, क्लियर, द ट्रीटमेंट अप्रेजेस डैश एंड डैश, विच वन, लाइक फैमिली थेरेपी एंड विड्रॉल सिंड्रोम, यूज ऑफ एडिक्वेट डोज ऑफ मेथाडोन कंबाइंड विद द बिहेवियरल थेरेपी रिड्यूसेस डैश एंड डैश एसोसिएट विद द हीरोइन अब्यूज,
क्या क्या चीज में आप कम कर सकते हैं इसमें, विड्रॉल सिंड्रोम एंड ड्रग्स कार्विन, बराबर। देन इफ द पेशेंट्स गेट ट्रीटमेंट डैश द रिजल्ट आर बेटर, बराबर। इफ द पेशेंट गेट्स ट्रीटमेंट डैश द रिजल्ट आर बेटर, मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना, टू रिड्यूस मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये वाला पॉइंट जो है शायद पहले वाले में था, क्योंकि डैश में अंदर कंफ्यूजन है, तो आप ये सारी चीज लिख लेना प्रॉपर फॉर्मेट में। देन एज अ रिजल्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट नंबर ऑफ डैश कमिटेड बाय द ड्रग्स एंड इट कम्स डाउन, क्या कम हो गया है क्राइम, क्या कम हो गया है क्राइम, टू रिड्यूस ड्रग यूसेज, बराबर। देन मेन एम ड्रग अब्यूज ट्रीटमेंट इज डैश is to reduce drug usage, क्या उनका मेन एम सब ड्रग्स की लत से बच जाए। देन एंड डैश फंक्शन, मेन फंक्शन क्या उनका, इंप्रूव पेशेंट एबिलिटी टू डू, बराबर। देन सेम आपको पैसेज में से कुछ सेंटेंस दिए, वन वर्ड में आंसर चाहिए इसका, टू पुट एन एंड टू समथिंग, टू पुट एन एंड टू समथिंग, सप्रेस क्या आएगा, सप्रेस। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वी कैन से मोस्ट मेन, इस चीज के बारे में क्या लिखेंगे वन वर्ड में, अल्टीमेट, क्या बोला जाएगा, अल्टीमेट। देन टू हैव इफेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, टू हैव फॉर इफेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम के लिए रहे ये वैसे चीज क्या आती है, बोलते हैं लॉन्ग लास्टिंग, बट सी इधर क्या आएगा, सिर्फ लास्टिंग, लॉन्ग से लेकर लास्टिंग का मतलब वही हुआ। देन इनफ इज क्वांटिटी, इनफ इज क्वांटिटी, इनफ इज क्वांटिटी का क्या आएगा, एडिक्वेट, क्या है, एडिक्वेट, क्लियर, चलिए ओके। नाउ यहां पर आपका चैप्टर नंबर 24 यहां पे कंप्लीट है।